नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह आपके लिए एक यूनिक फ्लैट लेकर आया हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हो हमारे, आपको लग रहा होगा ये क्या कैफ़े की वीडियो ले आए। ये एक फ्लैट है दोस्तों, द्वारका सेक्टर 8 के अंदर लग्जूरियस फ्लैट। ये हमारा ड्राइंग एरिया है और कैफेटेरिया लुक देने की कोशिश करी गई है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लैट है और गेटेड गली के अंदर है, 210 गज में बना हुआ है और दोस्तों साथ में बहुत ही बड़ा पार्क है इसके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं लेआउट समझा देता हूँ। ये हम अभी खड़े हैं डाइनिंग एरिया पे। ये सामने हमारे ठीक इसके किचन है दोस्तों। किचन के साथ ये फ्रिज रखने की स्पेस हो गई और इसके साथ में ये हमारा बेडरूम है। दो बेडरूम है हमारे, बैक साइड में है। शाफ्ट बहुत बड़ी है जिससे वेंटिलेशन में इशू आपको नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऐसे घूमते हैं तो हमारे पास ये एक एंट्री गेट है जिससे हम अभी आए थे ये, और लिफ्ट लॉबी यहाँ से आ जाएगी। एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है यहाँ पे, और ये हमारा कुछ क्रॉकरी आइटम रखने के लिए है। ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपने क्रॉकरी आइटम रख सकते हैं। ये ठीक डाइनिंग एरिया के अंदर दिया हुआ है आपका। और दोस्तों ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम के साथ ये हमारा ड्राइंग एरिया है। बालकनी, रनिंग बालकनी है पूरी। ड्राइंग एरिया और इस वाले रूम से एक्सेस आप कर सकते हैं। आइए आपको पहले मैं किचन दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट वाइट कलर में किचन है और किचन की जो फिटिंग है और बाकी चीज़ें सारी ब्रांडेड लगा रखी है हमने। आप देख सकते हैं ये जो सिंक है, ये पत्थर का सिंक बना हुआ है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी बर्तन धोते समय। ये मूवेबल है आपका। ये जितने भी बाथ फिटिंग्स और ये लगे हुए हैं सारे रूहे ब्रांड के लगे हुए हैं दोस्तों। आप ग्रेनाइट भी देखिए, बहुत ही डार्क कलर में, ब्लैक कलर में आपको लगा के दे रहे हैं। इसके साथ ये दोस्तों जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा सॉफ्ट क्लोज है और इसको इजीली आप निकाल के वॉश कर सकते हैं दोस्तों। आप ये देखिए सॉफ्ट क्लोज है। आपको जो हॉब मिल रही है ये कैफ कंपनी की मिल रही है, ग्लेन की चिमनी मिल रही है, बहुत ही हाई सक्शन पावर है उसकी। और आप देखिए ये साथ में हमारा ये पेंट्री हो गई एक तरह से। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर आप जो भी सामान है किचन का वो आइटम आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी ये जो स्पेस है, यहाँ आप बड़े से बड़ा आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आपको ड्राइंग एरिया दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे लुक में है और बढ़िया बना रखा है, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास प्रॉपर्टी सारी ही मिल जाएंगे, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, जो भी चाहिए आपको सारे ही अवेलेबल हैं द्वारका में। और हम सिर्फ और सिर्फ अप्रूव प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं। अनऑर्थराइज्ड में या जो प्रॉपर्टी के नक्शे पास नहीं है उसमें हम लोग डील बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। हमारे पास 3 BHK स्टार्ट होता है 1 करोड़ 40 लाख से। इससे नीचे के ऑप्शंस नहीं है दोस्तों। 1 करोड़ 40 लाख से स्टार्ट होता है और ऊपर ऑनवर्ड सारे ही ऑप्शंस हैं, बिकॉज अपने पास जो भी प्रॉपर्टी होती हैं सारी लग्जूरियस है और अच्छी लोकेलिटी के अंदर अप्रूव प्रॉपर्टी है। ये आप देख सकते हैं ड्राइंग एरिया के अंदर, यहाँ से ये शाफ्ट दी हुई है, बड़ी शाफ्ट है। यहाँ से वेंटिलेशन प्लस में रोशनी वगैरह सब आता है। ये हमारा ड्राइंग एरिया है। इसका साइज़ वगैरह के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लेआउट प्लान आप डाउनलोड करके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये ईंट लगी हुई है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स को हमने कट कर करके हमने इसको चिपकाया हुआ है। ये लुक होता है जो सब्जेक्टिव होता है, क्या पता मुझे पसंद आ रही है आपको नहीं आ रही हो, या आपको पसंद आ रही है मुझे नहीं आ रही है। तो अगर आपको प्लेन वॉल चाहिए दैट कैन बी डन, वो हम आपको करा के देंगे। आफ्टर दैट दोस्तों ये जो हमारी है ये बालकनी है, यहाँ से वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। और ये जो ग्लास लगी हुई है ना, ये UPVC, ये टफन ग्लास है और गैप में लगी हुई है। दो ग्लास है, उनके बीच में 10 mm का गैप है। ये साउंड प्रूफ है प्रॉपर। इसके बाद में ये आपको ये जाली वाली ये देते हैं डोर, ताकि आपको वेंटिलेशन अच्छी मिले और मच्छर वगैरह अंदर ना आए। ये TV पैनल बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आप जब TV लगाएंगे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आइए, ये इसके अंदर तो वुडन फ्लोरिंग हो रखी है आपका पूरा ड्राइंग एरिया के अंदर। आफ्टर दैट ये जो हमारा एरिया है, इनमें पूरे फ्लैट में इटालियन फ्लोरिंग हो रखी है पूरे फ्लैट में। यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह या फिर जो भी चीज़ आप लगाना चाहो वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। आइए दोस्तों, ये हमारा एक बार आप नज़र मार लीजिए, ये पूरा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया कम्बाइंड है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि आउटसाइड है, बाहर की साइड है दोस्तों। आइए,
इसमें भी हमारा वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है, सेम साथ में वही यूपीवीसी वाली विंडो दी हुई है, साउंड प्रूफ है और यहाँ से भी आप बालकनी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको और दिखा देता हूँ, इस फ्लैट के जो फॉल सीलिंग वगैरह हैं वो काफ़ी नए पैटर्न में है, कुछ तड़क भड़क वाला काम इस फ्लैट में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जगह जगह पे आपको सारा काम प्रॉपर अच्छे वे में करा हुआ मिलेगा। आप फिनिशिंग देख सकते हैं इस फ्लैट का, आप आके इस फ्लैट का फिनिशिंग चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टीवी पैनल दिया हुआ है आपको और टीवी पैनल के जस्ट साथ में एक स्टडी टेबल है। आप यहाँ पे स्टडी टेबल ड्रेसिंग कुछ भी कुछ और एक्स्ट्रा बनवाना चाहते हो वो बन जाएगा। इसके बाद ये पूरे टीवी पैनल के साथ सारा स्टोरेज दिया हुआ है, ये सारा सॉफ्ट क्लोज में है, ये सारा स्टोरेज है आपका। इसके साथ भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, एसी की पाइप वगैरह फिटिंग आपको हर जगह मिल जाती है, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, तीनों कमरे के अंदर सब में एसी का पाइप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद दोस्तों आइए इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों अंदर ही अलमारी वगैरह सब बने हुए हैं और ये ग्लास फिनिश में है, जितनी भी अलमीरा है ना सारी ग्लास फिनिश में है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं खोल के चेक करा देता हूँ आपको, सब में लाइट वगैरह लगी हुई है, प्रोफाइल लाइट, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख सकते हैं वॉशरूम, फिनिशिंग बहुत अच्छा है दोस्तों, गीजर वगैरह सब कुछ आपको लगा के दे रहे हैं इसके अंदर और एक्स्ट्रा फिटिंग कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए, और दोस्तों अपने पास प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अवेलेबल हैं, सेक्टर 19, सेक्टर 17, सेक्टर 12, सेक्टर 11, आपको जिस भी सेक्टर में चाहिए द्वारका में वहाँ पे हम प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने ऑफिस सेक्टर 8, सेक्टर 17 दोनों ही जगह है, तो कभी आना हो आपको प्रॉपर्टी देखना, आप अपना सेक्टर बताइए कि मुझे इस सेक्टर में प्रॉपर्टी चाहिए और हम आपको अपने ऑफिस की लोकेशन शेयर कर देंगे और वहाँ पर आके आप प्रॉपर्टी को विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम YouTube पे नहीं डालते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनल डील होती हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए होती हैं, अगर हम YouTube पे डालते हैं तो वो मार्केट में चीज़ ओपन हो जाती है, तो इसलिए हमारे ऑफिस जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको चीज़ें पता नहीं लगेगी हमारे पास कितने ऑप्शंस पड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आपको सेकेंड बेडरूम दिखा देते हैं। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, आप देख सकते हैं ये पूरा हमने थोड़ा रॉ रखा हुआ है ताकि लुक अच्छा है, ये बेड लग जाएंगे इसके बीच में, लगने के बाद ये अलमीरा है, आप देख सकते हैं पूरा ये स्लाइडिंग वाली है, सब में लाइट लगी हुई है जितनी भी अलमीरा है, अभी कनेक्शन करा भी नहीं हुआ होगा एक आधे में, तो ये अलमीरा है। इसके बाद दोस्तों आप इधर देख सकते हैं ये टीवी पैनल के साथ में स्टडी टेबल, ये वेंटिलेशन का एरिया है, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी आपको यहाँ से। और इसके बाद दोस्तों इसके साथ इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, आइए मैं आपको अटैच वॉशरूम चेक करा देता हूँ। ये देखिए जितनी भी फिटिंग्स हैं, बाथ फिटिंग है इसके अंदर, इसके अंदर जैकवार की है, स्विचेस सारे क्रैब ट्री के लगे हुए हैं। और दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, आइए। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, स्पेशियस है, लेआउट के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप लेआउट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं पूरे फ्लैट की क्या डायमेंशंस हैं, कैसे क्या है। सेम यहाँ पे भी अलमीरा आपको मिल रही है जैसे भी मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद हम इसके अंदर फ्लोरिंग चेक कर सकते हैं, तो ये पूरी इटालियन फ्लोरिंग है, मार्बल लगी हुई है पूरे फ्लैट के अंदर, ड्राइंग एरिया के अंदर, और एक रूम जो फ्रंट वाला दिखाया था उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग है, प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है। इधर आपको एक यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है जहाँ आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, और इस रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम मिलता है आपको। और ये बेड हमने यहाँ लगाने के लिए बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, डिज़ाइन बनाया हुआ है ताकि पीछे आप इसमें बेड लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको मैं यूटिलिटी बालकनी दिखा देता हूँ, ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है, पाइप्स वगैरह सारे इसके पीछे हैं, ये जो पार्ट आप दिख रहा है इसके पीछे हैं पाइप्स वगैरह, कभी आपको इनकेस कोई काम करना हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इजीली ये ओपनेबल है। अब ये हमारा वॉशरूम है,
बहुत ही फिनिशिंग के साथ किया हुआ फ्लैट है, चारों ही फ्लोर अवेलेबल हैं, किसी भी फ्लोर की बुकिंग करा सकते हो आप, आके परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस वगैरह जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, द्वारका सेक्टर 8 में डी ब्लॉक है ये, वहाँ की है। हमारे पास ए ब्लॉक में भी मिल जाएगा, बी में भी मिल जाएगा, और 210 स्क्वायर यार्ड में प्रॉपर्टी हमारे पास 2 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो प्राइस है वो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह मिल जाएगी। हम लोग द्वारका में हर जगह डील करते हैं, आपको जहाँ भी प्रॉपर्टी चाहिए आप हमें कॉल करके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। इसका एलिवेशन बहुत ही अच्छा बना रखा है, सिंपल एंड सॉबर है। पार्किंग आप देख सकते हैं, ये पूरी अच्छी पार्किंग बना के दे रहे हैं, और पार्किंग में आपको ईवी का पोर्ट दे रहे हैं, चार्जिंग पोर्ट दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं उसके अंदर, पावर प्लग जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि इन केस कभी आपके पास ईवी गाड़ी हो तो आप वहाँ से पार्किंग में इजीली चार्ज कर सकते हैं, अलग से वायर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसमें जो लिफ्ट लग रही है वो कौन कंपनी के लिफ्ट, ब्रांडेड लिफ्ट आपको लगा के दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, वो आप आएंगे तो आपको पता लगेगी दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, पूरा मार्केट आप ट्राई करके फिर आना मेरे पास, मेरे से अच्छा प्राइस कोई नहीं दे पाएगा, बहुत ही जेन्युइन प्राइस होता है, हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास कुछ भी घपलेबाजी वाला काम नहीं होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही तरह तरह की वीडियोस आती रहती हमारे चैनल पे। और दोस्तों थैंक यू सो मच।